धर्मपुरी विधानसभा के लिए भाजपा की ओर से पूर्व विधायक कालू सिंह ठाकुर को फिर से अपना प्रत्याशी बनाया गया है, जिससे क्षेत्र में खासा उत्साह देखा जा रहा है। वहीं कालू सिंह ठाकुर लगातार पूरी विधानसभा में मजबूती से चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं और घर घर जाकर लोगों से व्यक्तिगत संपर्क जोड़कर उनके कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों को याद दिलाते हुए भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए एक बार पुनः मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनवाने में सहयोग की अपील कर रहे हैं। साथ ही खुद के 5 वर्षों के कार्यकाल की तुलना वर्तमान के कांग्रेसी विधायक पाचीलाल मेड़ा के कार्यकाल से करते हुए विकास कार्य को भी गिनवा रहे हैं। ऐसे में विगत दिवस कालू सिंह ठाकुर अपने समर्थकों के साथ नालछा पहुंचे, जहां उन्होंने सघन जनसंपर्क किया और क्षेत्रवासियों के साथ युवाओं से भी चर्चा करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को सक्रियता से लोगों के बीच जाकर पार्टी की विकास योजनाओं से अवगत कराने की बात कही। इसके साथ ही कालू सिंह ठाकुर ने पत्रकारों से चर्चा में उनके विधानसभा कार्यकाल के विकास कार्यों को बताते हुए कांग्रेस के 60 वर्षों के विकास कार्यों की तुलना की और फिर से लोगों के बीच में उन्हें मिल रहा अपार समर्थन पर जीत को निश्चित बताते हुए क्षेत्र में विकास और तेजी से बढ़ाने के अलावा 10 सितंबर को धर्मपुरी विधानसभा में भाजपा की विकास रथ यात्रा का भव्य स्वागत करने की भी अपील की। वहीं कालू सिंह ठाकुर के विधानसभा का टिकट मिलने से लोगों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाकर जो सूची जारी की घोषणा हुई है, उसी रोज से पूरी विधानसभा स्तर तक में हर पंचायत में पूरी विधानसभा में पहुंच गया हूं और जनता का भरपूर आशीर्वाद मिलता, हर जगह स्वागत और इतना उत्साह है कि आप जो पिछले कार्यकाल के जो काम किए हैं वो मैं नहीं, खुद जनता बता रही है कि आपके द्वारा ये काम किया गया और मैं भी भूल गया था, लेकिन खुद जनता आगे रह के बताया कि आपने ये काम किए। अब इसमें अगले आने वाले वापस सरकार बनती है बीजेपी की और आपको आप भी विजय होंगे, उसके बाद आप क्या जनता के लिए क्या सौगात वापस लाओगे धर्मपुरी विधानसभा में? देखिए, जनता का विश्वास है, जब जनपद में रहा 10 साल और 5 साल विधायक रहा, पूरा मेरा कार्यकाल आम जनता ने देखा है, कोई ऐसा गांव और कोई ऐसी पंचायत नहीं बची है क्या विकास कार्य नहीं हुए। मैं जनता के तरफ से और भारतीय जनता पार्टी के तरफ से आग्रह करती हूं कांग्रेस के नेता हूं उनसे, अगर 60 साल में भी मेरा कार्यकाल का जो हिसाब दे दें तो मैं उनको मान जाऊँगा कि आप 60 साल में क्या किया और मैंने 5 साल में क्या किया, ये मैं उनके डंके चोट सूची सहित बताऊंगा, आदेश सहित। मेरी विधानसभा में जहाँ भी सूखा था, मैंने कितना बड़ा तालाब और दो दो नहर चल रही, जो घाट के नीचे 1 इंच हमारी सूखी जमीन नहीं बचेगी ये तालाब की नहर बनने के बाद, और कुछ क्षेत्र मांडव बगड़ी नालचा ये क्षेत्र बचा है तलवाड़ा से लगा के, इसमें मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि माँ नर्मदा का जल लाकर इस जो बाकी बचा है इस क्षेत्र को एक एक खेत में और एक एक इंची में सिंचाई का पूरा लक्ष्य लेकर काम करूंगा। हमारी भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय हमारे मुखिया शिवराज सिंह जी, उन्होंने हम पूरे प्रदेश में एक विकास यात्रा के माध्यम से जो विकास की तारीख अपने मेरी विधानसभा में 10 तारीख को आ रही है, इसके माध्यम से जो भी पूरे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जो विकास किए हैं उसका आशीर्वाद लेने के लिए हमारा माननीय मुख्यमंत्री, जो भी हमारे 5 प्रदेश में 5 यात्रा निकल रही है, वो पहली यात्रा सब अलग अलग प्रदेश में जा रही है, अपने विधानसभा में खंडवा मैसर होते हुए धामनोद में करीब 5 बजे आएगी, तो ये मेरी अपील है पूरी विधानसभा के आम मतदाता और हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील करता हूँ कि इस विकास यात्रा को अधिक से अधिक संख्या में आकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद दे, बस यही मैं सभी कार्यकर्ता और आम जनता से अपील करता हूँ। धन्यवाद।